योगी जी ने सारे काम किए, लेकिन नौजवानों के लिए जो काम है, मेन जो काम है, कि उनको बेरोजगारी से बचाएं। हम यहाँ पढ़ने आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि हमको इसके बाद नौकरी मिलेगी, लेकिन ये मुद्दा सरकार का सफल नहीं हो पा रहा है कि जो जितना काबिलियत जिसके अंदर होगी और नौकरी करेगा। आदमी कहता है कि 90% लोग पढ़े लिखे और रोजगार चाहिए, ग्रेजुएशन करके टहल है, लेकिन लिटरली अगर देखा जाए तो इंटरव्यू में जाते हैं जो पास आउट होगा वही तो नौकरी पाएगा। आप प्राइवेट सेक्टर में आइए, हम भी स्वागत करते हैं। ठीक है, बहुत पैसा है, गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं दे पाएगी जितना हम दे देंगे, प्राइवेट वाले दे देंगे। ने 4 साल दिए फौज की तैयारी में, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो उसके बाद अपना प्राइवेट सेक्टर में आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत, मेरा नाम है कनक मिश्रा। आज मैं बात करूंगी सबसे अहम मुद्दे पर, यानी कि बेरोजगारी पर। बेरोजगारी पर बात तो सब करते हैं, पर समाधान कोई नहीं करता। तो आइए बात करते हैं स्वयं चलकर युवाओं से कि कितनों के पास है रोजगार और कितने हैं बेरोजगार। क्या नाम है सर आपका? सुनील यादव। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? अभी तो मेरा बिजनेस है, बस बिजनेस भी माहौल इस टाइम इतना गंदा चल रहा है, ना ढंग से बिजनेस है ना कुछ है, मार्केट में सबका वही है, पता नहीं क्या माहौल चल रहा है। वो सब्जी वाले से बात करो, कोई मेडिकल वाला हो, ऐसा लग रहा है कि अपने पास ये लोगों के पास इतना परेशानियां हैं, एमआई में दबे पड़े हैं, कोई कहाँ है, किसी के पास पैसे ही नहीं बचा, पैसा आ कहाँ आ रहा है, जा कहाँ रहा है, मार्केट में सारे बंदे, सारे व्यापारी, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो पैसा आ रहा है और फिर कहीं जा रहा है, तो उसकी प्रमुख वजह क्या है कि ये कहाँ जा रहा है, क्या क्या लगता है आपको? टाइम के हिसाब से लोगों की इनकम कम है, ठीक है, लखनऊ जैसे शहरों में क्या है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं लोगों के और इनकम कम है। अब किसी को अपनी, अब बाइक से चल रहे हैं उनको कार चाहिए, छोटे से घर में चल रहे हैं उनको और मकान बड़ा चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो कोई चीज़ है, एसी हो गया, कुछ और हो गया, मोबाइल अच्छे महंगे, मोबाइल के चक्कर में एमआईयां और कि रेंट पे रह रहे हैं तो लोन पे लेके मकान बनवा रहे हैं, जिससे उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, एमआई में दर ब दिन वो दिन डूबते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो जिस हिसाब से रहना चाहिए उस हिसाब से नहीं रह पा रहे हैं, जिसकी वजह से। मेरा नाम कृष्णकांत त्रिपाठी है। अच्छा, ये बताइए कि राजधानी में बेरोजगारी की मुख्य, जो बेरोजगारी है उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो मैम यही है कि लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में उनके अंदर एबिलिटी क्या है और वो क्या कर सकते हैं ये उनको पता ही नहीं है। अच्छा, वो पढ़ाई लिखाई में थे तो बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपना योग्यता नहीं है। अच्छा, पैसा कमाना चाह रहे हैं, कैसे कमाना है, कोई 420 से कमा रहा है, कोई कैसे भी कमा रहा है। हमने 4 साल दिए फौज की तैयारी में, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो उसके बाद अपना प्राइवेट सेक्टर में आए, थोड़ी एजुकेशन भी थोड़ी ठीक ठाक थी तो अपना बैंकिंग सेक्टर में आ गए। तो क्या कर बैंक, आप क्या करते हैं बैंकिंग? अभी तो मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ एज आ, और मैंने, मेरे पास 2 ही साल का एक्सपीरियंस, से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, और 30K+ मेरी सैलरी आती है और आराम से हम लोग कमाते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत पढ़ने से और अपने अंदर योग्यता भी थी, हमारे फैमिली में भी सब लोग ज़्यादातर कॉरपोरेट में भी हैं, सरकारी बैंकों में भी हैं, तो अपने माइंडसेट ही वही था। हाँ, लेकिन जो आपका ड्रीम था, जिसे आप करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। ड्रीम था तो वो आर्मी में जाने का था, लेकिन नहीं हो पाया, 4 साल दिए, फिर ये अग्निवीर आ गया, तमाशा दुनिया का, तो अब तो सभी जा रहे हैं, कोई भी चला जा रहा है। युवाओं को कुछ सीख देना चाहेंगे आप? युवाओं को सीख यही है मैम कि अपने अंदर की योग्यता पहचाने कि क्या वो कर सकते हैं, बिजनेस में मन है तो बिजनेस में ही लगें, वो ये ना देखें कि हमारा मित्र जो है वो 40,000 उसकी सैलरी आ रही है, वो कैसे आ रही है उनको नहीं पता है, तो जो कर रहे हैं और अपने अंदर की जो योग्यता है उसको पहचानें, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने एक लाइन पकड़ो। हाँ जी, तुम्हारे क्या करते हैं आप? मैं तो बिजनेस है मेरा। बिजनेस है आप कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 21 उम्र। और क्या पढ़ाई की है आपने? मैं बीकॉम, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आप बिजनेस करने लगे? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा एक लाइफ सेट कर चुके हैं, इसलिए मैं उसी लाइन में जा रहा हूँ। अच्छा, उसी लाइन में आप जाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो मतलब रोजगार है वो किस हद तक अब युवाओं को मिल रहा है, या फिर किस हद तक अब युवाएं जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं राजधानी में, और उसकी मुख्य वजह क्या है? एक्चुअली ये रोजगार मिलने और ना मिलने का 2 कारण है। रोजगार से जैसे आम लोग जैसे रोजगार के लिए जा रहे हैं, या तो उनके पास स्किल्स नहीं है। अच्छा। दूसरा ऑप्शन है, स्किल्स है लेकिन बावजूद वो नहीं कर पा रहा है। जैसे क्या मतलब, जो बीच में रोग बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो क्यों नहीं कर पा रहा? उसके पास स्किल भी है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें कुछ, सरकार की कोई भूमिका है? भूमिका जरूर हो सकती है, क्योंकि
सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें ना जाने तमाम मतलब जो वैकेंसी है, जैसे नीट हो गई, यूपी पुलिस हो गई, तमाम ऐसे जो निकाल रही है सरकारी जो जॉब के लिए, वो विफल हो रहे हैं सरकार द्वारा, इसीलिए हाँ पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो ये भी मुख्य कारण? हाँ ये भी मुख्य कारण है। क्या नाम है आपका सर? दुर्गेश सिंह। अच्छा ये बताइए कि राजधानी में जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उसकी प्रमुख वजह क्या है? देखिए मैडम, सबसे बड़ी तो समस्या है आरक्षण वाली। जो युवा बेरोजगार है उसमें स्वर्ण बिरादरी के सबसे ज़्यादा हैं और वही लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। बाकी बिरादरी तो है तो उनको तो सरकार हर चीज़ दे रही है, हर सुविधा दे रही है, अनाज भी मिल जा रहा है, बिजली भी फ्री की मिल जा रही है, सब कुछ मिल जा रहा है उनको। बट जो स्वर्ण बेरोजगार हैं हमारे भाई लोग, तो वो सबसे ज़्यादा इस समय परेशान है। तो उनके लिए क्या दिया जाए? उनके लिए देखिए मैडम, आरक्षण जो चल रहा है वो हटाया तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता है? बांग्लादेश में आरक्षण हटाने के लिए तो बात चल रही थी सारी, इतना बवाल तो हो गया वहाँ के लिए, तो यहाँ भी होगा फिर? नहीं, बवाल करने से कुछ नहीं होगा, इसमें गवर्नमेंट को अपना सोचना चाहिए कि इसमें कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सोचती है तो वो विपक्ष कहता है कि ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आप तो देखते ही हैं। देखिए मैडम, संविधान ख़त्म करने की बात नहीं है भाई। देखिए संविधान ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा, रोज़ नियम, नए नए नियम आ रहे हैं, संशोधन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट करना भी चाह रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, जैसे जो नेता प्रतिपक्ष है यहाँ पे, हाँ जो विपक्ष है वो भी सरकार को काम नहीं करने दे रही है, तो वो भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आपका मानना मेन ये है कि आरक्षण की वजह से लोग, युवा जो है वो, अच्छा आपका क्या नाम है? अपनीश। अच्छा आप बताइए कि बेरोजगारी किस चरम सीमा पे जा रही है, क्या दिख रहा है आपको आजकल का जो सिनेरियो है वो क्या है? सिनेरियो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो जितना काबिलियत जिसके अंदर होगी वो नौकरी करेगा। आदमी कहता है कि 90% लोग पढ़े लिखे और रोजगार चाहिए, ग्रेजुएशन करके टहल रहे, लेकिन लिटरली अगर देखा जाए तो इंटरव्यू में जाते हैं जो पास आउट होगा वही तो नौकरी पाएगा। अब रोजगार का मतलब थोड़ी ना होता है सीधे व्हाइट कॉलर और एसी में जाके बैठ जाना। आप जाके देखिए रोजगार क्या है, दुकानों पे लगा के बैठे हैं 90% आप व्यवसाय देख लीजिए इस समय। आप यहाँ पर देखिए जितने व्यवसाय कर रहे हूँ मेरे ख्याल से नौकरी से ज़्यादा अच्छा कमा रहे होंगे। तो जो जो लोग हैं ना जो शर्म खाते हैं कि धंधा करने में शर्म आती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रोजगार है, अगर आप करेंगे तो है, नहीं करेंगे तो नहीं। आपका मतलब है कि आप फिर जब आप पढ़ लें लिख लें उसके बाद आपको कुछ ना मिले तो आप ऐसे ठेले लगा लें? पढ़ने लिखने मोदी जी वाली जवान नहीं, 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 मोदी जी वाली जवान नहीं है, सिंपल पढ़ने लिखने का मतलब सही से पढ़े लिखे। आप हमको बता दिए, किसी को बता दें कि अपने काबिलियत के हिसाब से नौकरी पा रखे हैं, पता चले कि इंटर पास हैं, हाई स्कूल पास है, वो बात करेंगे आईएएस पीसीएस क्लियर करने की, तो ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। अगर आप अंदर काबिलियत है तो आप क्लियर करिए। गवर्नमेंट में कितनी वैकेंसियाँ होती हैं, कितने लोगों को भर्ती किया जा सकता है? एक नंबर फिलहाल तो रेलवे की, अभी रेलवे की निकली है तो उसमें तो बहुत कम निकले हैं, 6,000 कुछ लीजिए, कुछ नंबर होते हैं। हाँ। आप प्राइवेट सेक्टर में आइए, हम भी स्वागत करते हैं। अच्छा। ठीक है, बहुत पैसा है, गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं दे पाएगी जितना हम दे देंगे, प्राइवेट वाले दे देंगे। ठीक है, तो प्राइवेट ज्वाइन करो, काहे चक्कर में पड़े हैं? हाँ, और एक चीज़ है ना, आरक्षण की जरूरत है ना, तुम्हारे किसी की और चीज़ जरूरत है, आपके अंदर ताकत है, आप क्वालिफायर हैं। आप नहीं 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 नहीं, यदि आप क्वालिफाई करने के तुम एजुकेटेड हो तो आप प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों कर सकते हो, नहीं तो आप मान लो आप एक एजुकेटेड हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बीएससी आपने जाके कॉलेज में ज्वाइन किया है, तो आप अच्छे से चीज़ों को बता सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं तो आपने यदि फॉर्म डाल के और प्राइवेट किया है ना, तो फिर आप आरक्षण का सहारा, या मान लीजिए कि किसी को बनना है डॉक्टर, अब वो बन रहा है, वो तैयारी कर रहा है, वो एग्जाम दे रहा है, लेकिन फिर पेपर भी तो लीक हुआ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार भी तो कुछ गलत है। डॉक्टर का पेपर आज तक कहीं देखा लीक हुआ? नीट का हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो नीट का हुआ, एक हुआ तो आगे भी होंगे पेपर ना, तो डॉक्टर के सब नहीं बनते, कुछ बनते हैं। हाँ। बाकी और भी सेक्टर उसमें आओ ना। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे जो लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वही करना है, वो दिल से कमजोर है। हाँ। उनको इस धरती पे आने की जरूरत नहीं थी, वो गलती से आ गए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? निकिता वर्मा। अच्छा निकिता जी, ये बताइए क्या करती हैं आप? बीकॉम कर रही हैं, सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर। अच्छा ये बताइए कि आप क्या करना चाहती हैं, आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? गवर्नमेंट जॉब, एसएससी एग्जाम। अच्छा एसएससी एग्जाम। तो आपको लग रहा है कि आजकल लोगों को मिल रही है, आजकल बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे?
टफ तो है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है और ऊपर से जो AIs है तो उसकी वजह से बहुत कम लोगों को जॉब मिल रही है। तो क्या मेन रीजन क्या है कि लखनऊ में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं? AI तो मेन रीजन है ही वैसे भी, और उसके अलावा जो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस समय बच्चों के, बहुत मेन रीजन है ना, पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, कंट्रोल करना चाहिए उसको, लोगों को पॉपुलेशन की वजह से मतलब जैसे ग्रोथ ज्यादा हो रही है, हमारे पास काम करने के लिए चीजें कम हो जा रही है, ऊपर से AI आ रहा है, ठीक है, तो सारा कुछ आर्टिफिशियली हो जा रहा है, अभी हमको लेबर की जरूरत पड़ रही है तो वो सब कम हो जा रहा है इसीलिए। तो ये बताइए कि जैसे पेपर लीक हो जाते हैं है ना, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी तो कोई रोल है कि इसमें युवा रोजगार नहीं ले पा रहा है, ऐसा लगता है आप लोगों को? पेपर लीक हो रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक तो मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, इतनी मेहनत से वो लोग तैयारी करते हैं, इतना सब कुछ उनका लॉस हो जाता है, ऊपर से अब पेपर लीक हो रहा है तो फिर जॉब के लिए भी मतलब पेपर लीक हो गया फिर उसको कैंसिल करा देते हैं पेपर, जो बच्चे ने तैयारी करी थी उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है फिर, तो थोड़ा सा पॉलिसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि ऐसे। तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कोई सजेशन है आपके पास? अपना काम सही से करें बस, और क्या ही सजेशन दे सकते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए पांडे जी कि आप क्या करते हैं? मैं अभी बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आगे चल के तो आप कुछ करना चाहेंगे ना, क्या करना चाहते हैं आगे? मैं आगे जाके प्रोफेशनल कोर्स करूँगा जैसे AACCA CS के लिए सोचा यही सब। अच्छा ये बताइए कि आजकल राजधानी में जो युवा इतने बेरोजगार घूम रहे हैं तो इस पे आपके क्या विचार हैं? इसका कारण यही है कि सरकार जो हमारी है इस समय वो सही से अपनी जो काम है लोगों को रोजगार देने का उस पे सरकार का बुलडोजर चल नहीं पा रहा है। अच्छा। योगी जी ने सारे काम किए लेकिन नौजवानों के लिए जो काम है, मेन जो काम है कि उनको बेरोजगारी से बचाएं। हम यहाँ पढ़ने आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि हमको इसके बाद नौकरी मिलेगी, लेकिन ये मुद्दा सरकार का सफल नहीं हो पा रहा है। तो रोजगार सही से दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा रोजगार लेने के लिए खुद के अंदर भी तो कुछ स्किल्स होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। अच्छा, मेरे पास मेरे कितने जो मेरे सीनियर हैं उनके पास पूरी स्किल्स हैं, लेकिन जो उनको नौकरी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही, उस काबिल वो पहुंच नहीं पा रहे। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छा होता है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा? वो डिपेंड करता है, वैसे तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो प्राइवेट बेटर है। लेकिन अगर आराम चाहिए क्योंकि आप फिर लोगों से मिलोगे। अच्छा। आपका जो होगा आप दूसरी कंट्रीज में भी जाके आपको ऑफर मिलेगा कि आप वहाँ जाके भी अपना काम कर सकते हैं। जब हमारी जो पिछली सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की, उसमें हम लोग को लखनऊ मेट्रो मिली। अगर इसमें हम लोग देखा जाए आज कितने लोग लखनऊ मेट्रो की वजह से विश्वविद्यालय आ पा रहे हैं और जा पा रहे हैं। अच्छा। और कितने लोग यहाँ पर इनको एम्प्लॉयमेंट मिली, पहले तो जो प्रोजेक्ट पास हुआ उसमें लोगों को लेबर मिली, उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, फिर जो यहाँ पे स्टाफिंग की गई जो कि अखिलेश यादव जी के दौरान हुई थी, उसके लिए भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था और नौकरियां उनके समय निकली थी, लेकिन योगी सरकार में नौकरियां नहीं निकल पा रही। आपका कहने का मतलब है कि मेट्रो से भी बहुत लोगों को रोजगार मिला है, तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसे ही काम करने चाहिए। जैसे इकाना स्टेडियम का गठन हुआ, तो जब इकाना स्टेडियम बना उसमें मैच होते हैं तो उससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है, लेकिन सरकार उसको सही जगह नहीं लगा पा रही है अगर देखा जाए। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने बहुत सारे युवाओं से बात करी बेरोजगारी पर, क्योंकि बेरोजगारी भी बात तो सब करते हैं पर उसका समाधान कोई नहीं करता। यहाँ पर युवाओं ने कहा कि कहीं ना कहीं आरक्षण भी युवाओं को रोजगार दिलाने में पीछे है, कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें इम्पोर्टेंस रखती है और कहीं ना कहीं लोगों की खुद की एबिलिटी भी है। तो ऐसे ही रियलिटी चेक प्रोग्राम्स देखने के लिए बने रहिए कैमरामैन दीपक के साथ, मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।